अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन और भाइयों, क्या हाल है आपके? उम्मीद है खैर से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी हर आने वाली नई वीडियो देख सकें। और व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग आज मेरे जो है वो अपनी मॉर्निंग रूटीन पे है। तो सुबह से मेरे आरिस से सोया हुआ था तो मैंने कहा नाश्ता बनाती हूँ अपने लिए। तो अभी सबसे पहले चाय बनाने लगी हूँ मैं। चाय के लिए मैंने क्या किया, पैन रखा हुआ है तो फ्लेम ऑन करूँगी। हाँ जी, फ्लेम ऑन होगी। सबसे पहले मैं इसमें पानी डाल रही हूँ क्योंकि एक कप चाय बनानी है ना, तो इतना पानी। ये आधा कप मैंने इसमें दूध डाला, इतना बहुत है। अच्छा जी, अब इसमें पत्ती डालती हूँ। पत्ती वैसे ज़्यादा तेज़ ही पीती हूँ कड़क चाय। मैं पत्ती डाल दी इसमें। अब जी इसमें डालेंगे चीनी। अब जी इसमें डालेंगे इलायची, क्योंकि इलायची के बगैर तो चाय का मज़ा ही नहीं है ना। ये इलायची मैंने इसमें कूट के डाल दी। अच्छा जी, तो चाय बन गई है। हाँ, मज़ा ही आ गया। ये जो चाय के ऊपर ये जो आते हैं ना, जो बबल्स आते हैं, देखते पसंद है, मैं इसीलिए बार बार ऐसे ऊपर लेके जाते हैं ताकि ये बबल्स आए। आप लोग ढाबे वगैरह पे तो वो इसके ऊपर ऐसे करके करते हैं, ये बबल्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे मेरी मम्मी कहती है अगर जितना चाय ज़्यादा फेंकते हैं ना उतना ज़्यादा इसका टेस्ट भी वो होता है, इन्हेंस होता है और चाय भी मज़े की बनती है। खैर मैं तो शुगर में करती हूँ ऐसे। चाय ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। तब तक मैं आपको अपनी किचन दिखाती हूँ। किचन मेरी गंदी हुई है, अभी तक तो मैंने बर्तन भी नहीं धोए, बस यही सेट किया था। पर चाय को बॉयल आना शुरू हो गया, आप लोग देख सकते हैं। और चाय मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई है। किस किसने पीनी है चाय आज आप लोग? चलिए जी, आप पराठा बनाती हूँ। चाय मेरी डन है। मैं पराठा बनाने लगी हूँ। पराठा बना के दिखाती हूँ आप सबको। पराठे वैसे मेरे जले हुए होते हैं, नक्शे बने हुए होते हैं, देखते हैं आज कैसा बनता है। इसलिए किनारों को पहले अच्छी तरह बेला गया। कोई ना कोई तमाशा बनेगा, देखते हैं इसका क्या सीन है। नजर आ रही है मेरी रोटी? चलो जिसको मैं तवे पे डालती हूँ। चलो जी, तवे पे डाल रही हूँ। ये तो भाई मोटा पराठा बन गया। चलो जी इसको बनाती हूँ। पराठा मैंने तवे पे डाल दिया, अब इसको गर्म करते हैं साइड, इसकी ऊपर घी लगाएंगे। पराठे की खुशबू मेरा ही आ गया। गोल पराठा नहीं बना मेरा। यानी कुछ नहीं होता, नेक्स्ट टाइम। पराठा ही खाना है ना, गोल हो जैसा भी हो। पराठा बन गया मेरा। पराठा इधर ऑलमोस्ट मेरा डन हो गया। चने जो पराठे के प्लेट में निकालते हैं। ऐसे करने से ना इसके एक्सेस निकल जाता है, पराठा ऑयल फ्री हो जाता है।
आप लोग मोटे नहीं होंगे खा के। पराठा रेडी है कुछ अजीब से ही बना है। अंडा फ्राई करने लगी हूँ तो मैंने पैन रखा, पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा घी डाला। अंडा डाला, नमक मैं इनसे डाल दूँगी क्योंकि मुझे नमक ज़्यादा पसंद नहीं है। एग ऑलमोस्ट रेडी है, मैं हाफ फ्राई एग खाती हूँ। बिल्कुल सैटे से कॉल इसमें चलें कि एग फ्राई हो गया मेरा, इसमें कॉल देते हैं प्लेट में। तो जी यहाँ पे मेरा नाश्ता तैयार हो गया था, मैं चाय डाल रही थी। लोग तो मजे के लिए इसी के साथ ही आपके साथ इजाजत चाहते हैं। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।